थका नहीं, मुझे तो कोई सूचना ही नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तहसीलदार गए, मुझे उठा लिया गया रेमन पकड़ के, मुझे चपरा तक में पहनने थी, अचानक उठा लिया, उठा के मुझे बंद कर दिया, मुझे कुछ नहीं है। अब यहाँ के बताई गए तुम्हारा नाम आरसी है और ऐसा था, और आरसी में भी नाम था तुम्हारी की ब्रजपाल ओमकार है और मेरे पिता का नाम ब्रजपाल ओमपाल है, ओमपाल। और ना ही मेरी दुकान है कोई, ना ही कुछ है, दुकान थी वहाँ, उसमें जो लिखा हुआ है आरसी में वो है कृत्रिम गर्भधान केंद्र। जी जी, उस पर डॉक्टर की दूसरे की ड्यूटी थी, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं, ना डॉक्टर फाक्टर, मैं तो वहाँ बैठता था। किसी दुश्मनी वाले ने, वैसे ही मेरे बीडी वाले आए चोरी वाले, उन्होंने नाम लिखवा दिया, अगर कौन है कि ब्रजपाल, ब्रजपाल नाम लिखवा दिया, उन्होंने मेरे नाम मुकदमा लिखा दिया और दुकान किसी की, और मैं वैसे ही लिखवा दिया अच्छे खासे में, और मुझे ले आया यहाँ पर बंद कर रखा है। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन से मैं यहाँ बंद हूँ। मतलब कौन कौन क्या था गिरफ्तारी लेने? नायब तहसीलदार गए थे और आसाराम अमीन गए थे, आसाराम अमीन और नायब तहसीलदार। हाँ, ये उस बीडी विभाग ने नोटिस जारी किया है, इसमें साथ तुम्हारी की ओमपाल ओमकार है और मेरे पिता का नाम ओमपाल है, और ये गलत है कतई और पूरी तरीके से फर्जी है। इसमें दुकान भी फर्जी दिखाई गई है, सारा कुछ फर्जी दिखाया है। जी जी, और मैं 8 दिन से यहाँ बंद हूँ बेगुना पूरी तरीके से। मेरे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी हुई, मेरा गले मां पकड़ के ला गया, मुझे खींचा गया पूरी तरह से, मुझे चपड़े तक नहीं पहने दी गई। ये बात तहसीलदार के सामने रखी है आपने? नहीं, मैंने वो मैं दोषी नहीं हूँ। मैं रखता कहाँ से, मैं लाया आसाराम अमीन और नायब तहसीलदार ने मुझे उठा के यहाँ बंद कर दिया। अब मैं किसको कहता बंद में, क्या किसके सामने रख पाऊंगा? कुछ ने कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो यहाँ से बंद हूँ 8 दिन से। जी जी।